भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। गुरु भक्त शिवाजी एक बार शिवाजी के गुरुजी बीमार पड़ गए। शिवाजी आए, बोले गुरुजी क्या हुआ? बोले मैं बीमार हूं। बोले सतिक आप कैसे ठीक होंगे? बोले सिंघनी का दूध मिले तो मैं ठीक हूं। और उस समय बच्चे थे, बड़े नहीं थे। सिंघनी का दूध मिले तो मैं ठीक हूं। बोले गुरुजी मैं जाता हूं, मैं सिंघनी का दूध लाऊंगा। और जितने भी चेले थे वो पागल हो गया, सिंघनी का दूध ले, सिंघनी तुझे खा जाएगी। और भी वहां बच्चे थे, वो कहे पागल हो गए तुम, सिंघनी का दूध मांग रहे हैं, गाय का नहीं। शिवाजी ने कहा गुरुजी बस थोड़ी देर आप धैर्य धारण करिए, मैं अभी सिंघनी का दूध लाया। वो सिंघनी के पास गए, सिंघनी ने उनके ऊपर आक्रमण किया। सिंघनी से शिवाजी ने कहा आपका भोजन हूं मैं, मुझे कर लेना भोजन, मुझे आप अपना भोजन बना लेना, मुझे आप खा लेना, लेकिन पहले मुझे एक कृपा करके अवसर दो कि मैं अपने गुरु की सेवा कर सकूं। मेरे गुरु को दूध की आवश्यकता है, आपके दूध की आवश्यकता है, मेरे गुरु स्वस्थ हो जाएंगे, आप अपना दूध दे दीजिए, मैं अपने गुरु को दूध दे के आऊँगा और आपके आगे आऊँगा और उसके बाद आपका भोजन बनूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सिंघनी भी उस शिवाजी की गुरु भक्ति पर प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मेरा दूध तू ऐसे नहीं संभाल सकता, मेरे दूध को संभालने के लिए या तो सिंघनी का बच्चा चाहिए या फिर सोने का पात्र चाहिए। तब वो सोने का पात्र लेके आए और फिर वो अपने दूध सिंघनी के दूध को अपनी गुरुदेव को दिया और फिर सिंघनी के सामने जाकर खड़े हो गए कि ले अब मैं हूँ तेरा भोजन। ऐसे ऐसे शिष्यों को भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या बात करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के चेलों के पीछे पीछे घूमता है कि ऐसा सच्चा भक्त मिले। तो हमारे यहाँ तो क्या कहें, लेकिन आप अच्छे हैं, आप आए तो सही। सिर्फ एक बात, तुम्हारा धर्म विश्वास पे टिका है, तुम्हारा धर्म निष्ठा पे टिका है। अगर तुम्हारे मन में निष्ठा नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो एक जन्म नहीं ऐसे हजार गुरु बना के फिरते रहो, तुम्हें भगवान नहीं मिलना, कभी नहीं मिलना। एक प्रश्न उठता है, सुनिए जरा ध्यान से। रावण के गुरुजी कौन बोलो? हैं? रावण के गुरुजी शंकर भगवान। शंकर भगवान से किसी ने कहा कि ये रावण इतना नालायक है, इसको समझाते क्यों नहीं हो आप? आपका चेला है, आपकी तो मानेगा। तो शंकर भगवान ने कहा बहुत अच्छा उपदेश दिया, आप भी सुन लीजिए। समझाना उसको चाहिए जो समझना चाहता हो, जो समझना ही न चाहता हो उसे समझाने की कोशिश भी कैसे करें। अब क्या नहीं समझना बोले, वो तो कहता है तुम्हारे 5 सर मेरे 10 सर, तुमसे डबल तो मैं वैसे ही हूँ। गुरुजी से कहता कि गुरुजी आप मुझे क्या समझाएंगे, आपके तो 5 सर हैं, मेरे तो 10 हैं, मैं तो 10 आनन हूँ, तो आपसे जब मैं डबल हूँ तो आप मुझे कैसे समझा सकते हैं? आप मुझे नहीं समझा। जो गुरुजी से भी ज़्यादा अपने आप को समझ ले क्या उसे समझाया जा सकता है? बोलिए, समझाया जा सकता है? तो अब भक्ति कैसे मिलेगी? बोले दीनता से। भक्ति कैसे मिलेगी? विनम्रता से। भक्ति कैसे मिलेगी? समर्पण से। और वो हम में है ही नहीं।
इसलिए वो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अधिकार है अपने शिष्यों को ये बताना कि गोविंद से मिलना है तो राइट वे में जाइए, रॉन्ग वे में नहीं। आप गलत दिशा में जाकर भगवान को पाना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है, भगवान गलत दिशाओं में नहीं रहते हैं।